यार मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे बी बैज नहीं मिला है। यूट्यूब पे सर्च करके देखता हूँ। ये पहली वाली वीडियो किसकी है? शायद ये वाली। ओके, ये वीडियो को वॉच करते हैं। तो अगर आपको भी वीपैच चाहिए तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे शो पे आइए। कौन बनेगा वीपति पे और वीपैच सिंपल सा और आसान क्वेश्चन के जवाब देके ले जाइए। यहाँ पे नंबर भी दिया है। वेट अ सेकंड, मैं पहले कॉल लगाता हूँ इन लोगों को। ओके, कौन बनेगा वीपति? मैं आपके शो में आना चाहता हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका कौन बनेगा विपत्ति में। तो दोस्तों आज हमारे साथ आने वाले हैं बहुत ही खतरनाक यूट्यूबर पेंटॉन, जिन्हें अभी तक वी बैच नहीं मिला है और वो हमारे शो पे आके वी बैच लेने वाले हैं। तो पेंटॉन जी स्वागत है आपका। तो पेंटॉन महाशय, आपको कैसा लग रहा है कौन बनेगा विपत्ति के हॉट सीट पे बैठ के? मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली आज मैं कौन बनेगा वीपति में आ चुका हूँ और इस वी बैच को मैं लेकर ही जाने वाला हूँ। एंड बाय द वे, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई। पंखे नहीं तुम्हारे यहाँ पे क्या? इतना बड़ा फैंटन है और एक एसी नहीं लगा सकते तुम? हट, पहली फुर्सत में निकल। महाशय, कॉफी चाय पानी कुछ लेना पसंद करेंगे आप? कॉफी लेना पसंद करेंगे हम। नहीं है। चाय? नहीं है। पानी? नहीं। रहेंगे आज, रहेंगे यार। गेम को शुरू करते हुए हम पेंटॉन महाशय के साथ पहले पड़ाव पे चलते हैं। पहले पड़ाव में पेंटॉन महाशय को एक आवाज सुनाई जाएगी, उन्हें इनमें पहचानना है ये कौन से यूट्यूबर है। तो पहले पड़ाव के लिए आप तैयार हो? जी हाँ। इस यूट्यूबर को पहचानिए इनकी आवाज से। आई थिंक इसने अपने बंदे को तो रिवाइव कर लिया होगा, बट देखते वो भाई साहब पैराशूट। अरे रे रे रे, बेचारा पैराशूट में ही निपटा गया, मतलब डाउन हुआ है। जाहिर सी बात है उसके और भी टीममेट्स हो गए तो उसे रिवाइव। ऑप्शन ए टोटल गेमिंग, ऑप्शन बी देसी गेमर, ऑप्शन सी टू साइड गेमिंग, ऑप्शन डी लोकेश गेमर। मेरे हिसाब से समय बहुत कम है, जल्दी से आप बताइए। मेरे हिसाब से ये टू साइड गेमर्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बच्चे हमारे लोकेश गेमर वो भी नहीं होंगे। 6 सेकंड बचे, जल्दी बताइए। टोटल गेमिंग अज्जू भाई। लॉक किया जाए? जी हाँ। कहाँ सुनी थी आवाज आपने? ये कल मेरे इधर एक 9 साल का बच्चा बाजू में खड़ा था तो उनकी वीडियो देख रहा था, तो वहां से मैंने देखा। कंफर्म? पूरा पूरा। आप पहला पड़ाव जीत चुके हैं। पेंटॉन महाशय पहला पड़ाव जीत चुके हैं। तो ऐसे 7 पड़ाव पार करने के बाद इन्हें इजीली वी बैच मिल जाने वाला है। तो आपको कैसा लग रहा है पहला पड़ाव पार करने के बाद? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिल रही है। तो चलते हैं यही दूसरे पड़ाव के पास। इनमें हम कुछ सवालात पूछने वाले हैं जिन्हें टॉम भाई को जवाब देने हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके कुछ सवाल। तो फेंटन महाशय, आपके दूसरे सवालात में एक प्रश्न आने वाले हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको इनके जवाब देने हैं। तो कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन को पेश किया जाए। विच वन ऑफ दोस इज नॉट एन असॉल्ट राइफल? ऑप्शन ए AK-47, ऑप्शन बी MP-40, ऑप्शन सी स्कार, ऑप्शन डी क्रोजा। तो समय आपके पास बहुत ही कम है, तो जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए। मेरे हिसाब से असॉल्ट राइफल गन वाली जो रहती है वो शायद ARM होता है, राइट? जी बिल्कुल। तो MP40 की तरफ मुझे थोड़ा लग रहा है कि MP40 हो सकती है, बिकॉज़ SMG और ऑब्वियसली MP40, मैं MP40 की तरफ जाना चाहूंगा। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न आंसर को लॉक कर दिया जाए? एकदम बी बैच के साथ। लॉक करने के बाद आपने ये कहां सुना था, इनके बारे में कहां पढ़ा था, कहीं देखा था? नहीं ऐसे
एक्सपीरियंस प्लेयर हूं ना, याद रहता है। MP40 आपने चलाई है मतलब बहुत ही बार, बहुत ज्यादा, तो इसे कंफर्म लॉक कर दे एकदम यार। देखिए अगर एक भी प्रश्न, यार जल्दी करो वरना वीपैज लेकर भाग जाएंगे हम। अद्भुत अद्भुत, आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं, दूसरा पड़ाव जीत चुके हैं। वैसे ही कुछ और 5 पड़ाव जीतने के बाद हमारे फैंटोन महाशय को वी बैच मिल जाने वाला है। तो इसलिए आपको 5 और पढ़ाव पार करने पड़ेंगे, उनके बाद इन्हें वी बैच इजिली मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी तीसरे पढ़ाव पे। तो तीसरे पड़ाव में फैंटोन महाशय को एक बंदूक की आवाज सुनाई। तो तीसरे पड़ाव में फैंटोन महाशय को एक आवाज सुनाई जाएगी, एक गन की, उन्हें पहचानना है कौन सी गन है। तो फैंटोन महाशय आप हेडफोन लगा के तैयार हैं? तो आवाज सुनिए। ऑप्शन ए GG15, ऑप्शन बी AN94, ऑप्शन सी फार्मर्स, ऑप्शन डी G18। आपको क्या लगता है फैंटोन महाशय, ये कौन सी गन की ध्वनि है, आप बता सकते हो? मेरे हिसाब से AN94। क्या ये लॉक कर दिया जाए? अबे कितनी बार लॉक करिए सर, वीवैच चाहिए, लॉक करिए, टाइम नहीं है, कंटेंट बनाना है हमें जाकर अभी। ठीक है, तो कहीं कहां सुना था आपने ये आवाज? हर जगह सुना था। चल झूठा। ठीक है, लॉक कर दिया। तो आप जीत चुके हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। तो कांग्रेचुलेशंस, आप इस पड़ाव को भी जीत चुके हो। तो ये बहुत करीब है इस वी बैच के, तो ये बहुत करीब है इस वी बैच के पास। तो आपको कैसा लग रहा है, आप करीब जाते जा रहे हो वी बैच की तरफ, आपको भी ये वी बैच मिल सकता है। सपना था, बचपन से सोचा था वी बैच पाएंगे, और फाइनली मैं पाने वाला हूं थोड़े मिनटों में। तो चलते हैं अगले पड़ाव में। तो फैंटोन महाशय चौथे पड़ाव पे आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा एक जोन। इस जोन देखने के बाद आपको बताना है ये कौन सा जोन है। तो ऑप्शन ए डेंजर जोन, ऑप्शन बी प्लेस जोन, ऑप्शन सी टॉक्सिक जोन, और ऑप्शन डी ब्लू जोन। जल्दी बताइए, आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से शायद टॉक्सिक जोन है, वैसे ये अभी तो नहीं है, पहले अपडेट में था। तो इसे लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। कहाँ देखा था आपने इसे? तो ये सवाल पूरा का पूरा नहीं होता, आप चौथे राउंड में जीत चुके हैं। 3 राउंड की पेशकी में आपको ये वी बैच मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों 5वें पड़ाव के तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार हो? जी हाँ। तो चलते हैं 5वें पड़ाव की तरफ। तो फैंटोन महाशय 5वें राउंड में आपको एक ध्वनि सुनाई जाएगी, ये भी एक बंदूक की ध्वनि होगी। आपको इसे पहचान कर लॉक कर आगे के पड़ाव में बढ़ना पड़ेगा। क्या आप वी बैच जीत सकते हो, ये देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कठिन सा प्रश्न होने वाला है, इसे गौर से सुनना पड़ेगा दोस्तों। आप भी सुनियो और तू भी सुन ले। हाँ, कंप्यूटर महाशय ध्वनि सुनाई जाए। तो इस ध्वनि के सुनने के बाद ऑप्शन ए M1887, ऑप्शन बी M014, जो कि बोलते हैं M10 आगे की बोलने की कोई ऑप्शन जरूर, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है अभिषेक जी। ओके, आगे का ऑप्शन बताना जरा। ऑप्शन सी डी, ऑप्शन सी स्पेस 12 और स्पेशल लॉक, मैं पूरा गारंटी हूं। घाई करना बहुत ही बुरा हो सकता है इस बार परफेक्ट में स्पेशल। तो इसे लॉक किया जाए? जी हाँ। तो आपने ये कहाँ सुना था और कहाँ देखा था स्पेस 12 को? ये मैंने गेम खेलते टाइम आवाज सुनी थी, मेरे अभी तक कानों में रग रग में घूम रही है वो आवाज। तो आपके हिसाब से ये प्रश्न का जवाब सही है? सही है जी हाँ। तो ये प्रश्न का जवाब बिल्कुल गलत है। आप इस
गेम से बाहर होते हो और ये वी बैच आपको नहीं मिलेगा। पैक अप भाई, इन लोगों की तरफ, इन लोगों के पास घटिया चेयर है पता है, ये आगे पुश करना पड़ेगा भाई। एकदम घटिया शो था, एकदम बकवास शो था ये। क्या यार, चला गया किधर तभी पता नहीं, ये इन लोग शो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है यार, चलो ये बैज नहीं मिला तो चल, ए पैकअप हो गया, निकलना चल।